बलिया जनपद के डीएम कार्यालय पर छात्र नेता भैया अमित सिंह ने एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में छपी असत्य खबर की आलोचना करते हुए प्रदेश सरकार में चल रही योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र नेताओं की हित के लिए सदैव तत्पर रही है और आगे रहेगी। कहा कि प्रदेश में ऐसे भी हिंदी दैनिक समाचार पत्र हैं जो सरकार की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं, मगर सच तो यह है कि प्रदेश में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, सभी दलों ने छात्र संघ चुनाव के लिए एकजुट होकर साथ दी है। अतः यदि भविष्य में छात्र संघ चुनाव के लिए कोई अड़ंगा डालेगा तो उसके लिए प्रदेश भर में एक आक्रामक अभियान भी छात्र नेताओं द्वारा छेड़ा जा सकता है। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सरकार के खिलाफ शासन बहाली कराने के लिए अखिल भारतीय विकास परिषद के नेताओं ने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और चुनाव बहाल कराया। तो आज जब हम लोग की सरकार बनी है तो हम लोग बिल्कुल हम लोग छात्र हितों के सवाल पर हमेशा खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव हो। ये जो मौखिक आदेश आया है, हम लोगों ने अभी जिलाधिकारी से मिलकर भी हम लोगों ने आया है, ऐसा मौखिक केवल एक आदेश आया है, लिखित आदेश को क्या आप सत्य मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। यह बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से जो अखबार का वो जो कटिंग है वो एक तरह से जो उसके अमर उजाला जो संस्थापक है शुरू से मुलायम सिंह यादव के परिवार के करीबी रहे जाने, उन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ ऐसे ऐसी चीज़ों को बहकाने वाले बयान शुरू से वो लोग देखते आए। तो ऐसा जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम इसको मानने के लिए नहीं तैयार। हमारी सरकार छात्रों के हित पर, छात्रों के सवाल पर हर संभव उनके साथ खड़ी चलाएगी। छात्र संघ चुनाव से क्या क्या लाभ मिलते हैं छात्रों? देखिए, छात्र संघ चुनाव से आपको बता देते हैं, जितने भी सांसद, अच्छे सांसद कह लीजिए, अच्छा वक्ता कह लीजिए, अच्छा नेता कह लीजिए, वो छात्र संघ की नर्सरी से पैदा होकर के आगे बढ़े। आप देश के तमाम में उन नेताओं का नाम गिनवाने लगूंगा, नाम कम हो जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। तो उन लोग लगातार छात्र संघ